अस्सलाम वालेकुम, मैं सनी ठाकुर आपके लिए एक और वी लॉग का सेगमेंट लाया हूँ जिसके अंदर हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बात करेंगे जो पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो जिम का है, WEGOFIT। WEGOFIT। सो अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है। पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन इनके जबान से खुद सुनना चाहूँगा, आखिरकार ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो यार, तो अब क्या जानना तुम्हें, आप खुद ही बताएं। मेरा नाम अरसलान है और पिंडी का रेजिडेंट हूँ और अभी एक बिजनेस में कूदा हूँ रिसेंटली। और 7 दिसंबर होगी आज, तो हमारे आज इनॉग्रेशन था। इससे पहले था मैं दुबई में, तकरीबन 3 साल दुबई में रहा, वहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया जॉब की। 3 साल की जॉब के बाद ये बात समझ आ गई भाई कि जॉब मेरे बस की चीज़ नहीं है, मैं बिज़नेस के लिए बनाऊँ और मैं बिज़नेस ही करूँ। तो बस वहाँ पे माइंड सेट किया कि बिज़नेस करना है और फिर आगे पाकिस्तान। तो इस ये लोकेशन कौन सी है जहाँ पे ये जिम खुला हुआ है? हाँ, ये DHA 2 और Sector D से कहते हैं, इकबाल बुलेवार्ड पे। इकबाल बुलेवार्ड पे DHA 2 जिम नया खुला है। आपको है ना ज़रूर एक बार एटलीस्ट 1 टाइम विजिट ज़रूर कीजिएगा चेकआउट करने के लिए। और हम लोग एक अंदर का भी टूर लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह का सेटअप इनका है। सो लेट्स गो इन। अरसलान, पहले तो आप मुझे बताएं जो जिम है आपने ओपन किया है, इसका सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया और आप पाकिस्तान में किस तरह से आपने स्टार्ट किया? यार आइडिया तो बहुत पहले का था। मैं जब UAE में गया उस टाइम अपना वेट बहुत ज़्यादा, मेरा जो रूममेट था उस वो बहुत ज़्यादा फिटनेस की तरफ था, तो उसने ही मुझे आइडिया दिया कि एटलीस्ट जिम स्टार्ट कर, वर्कआउट स्टार्ट कर। फिर जब मैं जिम में गया और वहाँ पर फिर जब लोगों से मिला और फिर जब सीखना शुरू किया, वहाँ पे UAE का एक मिस्टर UAE रह चुका है, तो उन लोगों के साथ रह के काफ़ी कुछ सीखा। फिर इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, फिर मैंने उन्हें कहा कि यार ज़्यादा सिखाओ मुझे, एक्सरसाइजेस सीखी न्यूट्रिशंस के बारे में, फिर ख़ुद पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे जैसे मैं फिटनेस की तरफ गया तो मेरा उस टाइम बस डिसाइड कर लिया था कि अब नेक्स्ट क्या करना है, पाकिस्तान जाना है और अपना बिज़नेस करना है, और अपना बिज़नेस क्या करना है, जिम खोलना है। टाइम लगा, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था क्योंकि जब आया पाकिस्तान तो मुश्किल थी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की लोकेशन क्यों क्यों सिलेक्शन आपने की? अच्छा, जगह का भी थोड़ा इशू था स्टार्टिंग में। इस बिज़नेस में 2 मेन इशू थे। नंबर 1, एक तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी ज़्यादा मशीन्स के बारे में, मुझे कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी जगह कि मुझे बड़ी जगह भी चाहिए, मुझे मेरे घर के करीब भी हो, कन्वीनियंट भी हो मेरे लिए, और वहाँ की टारगेट मार्केट भी वैसी हो जैसी मैं चाहता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन नहीं हो सके, फाइनली ये जगह मिली और अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह वैसी थी। हाँ, घर से दूर है लेकिन जो टारगेट मार्केट मैंने सोची हुई थी मुझे वैसी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान, एक चीज़ मुझे आपसे क्लियर करनी थी कि बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर करना आसान नहीं होता, तो ओवरऑल जो आपका आइडिया था जिम को स्टार्ट करने का, आपको उसमें कितना टाइम लगा? नंबर 1, ओवरऑल जो आइडिया था आपका। दूसरा, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कितना टाइम लगा? और तीसरी चीज़ जो मुझे क्लियर करनी थी कि एक इक्विपमेंट सारा का सारा फाइनल मंगाते वक्त आपको कितना टाइम लगा? वो तो सीन UAE में ही मैंने सोच लिया था, तकरीबन 2 साल पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने साइट पर जाना है, फिटनेस की साइड पे जाना है और अपना जिम खोल। फिर जब पाकिस्तान में आया तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। उस टाइम जो मैंने प्लान किया था, जो मैं रिसर्च कर रहा था, जिस तरह मुझे मशीन्स की प्राइसेस मिल रही थी, जो जगह की प्राइसेस थी, वो यहाँ पे आया तो एक सिनेरियो ही डिफरेंट था। एक तो डॉलर बहुत ऊपर चला गया, सेकेंडली फिर आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आपको फिर अरेंजमेंट करनी कि मुझे अब इतना पैसा इकट्ठा करना है, उसमें थोड़ा टाइम लगा। वैसे अगर बात करें तो जगह से लेके जो मेरी ये जो अभी जितना सेटअप है यहाँ तक, जगह ढूंढते ढूंढते मुझे कम से कम 3 महीने लग गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट थी मशीन्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था साथ साथ,
तो उसे ख़रीदने में और यहाँ तक आने में, क्योंकि मोस्टली इसमें जो है चाइना से इम्पोर्ट हुआ है, तो उसमें जो है वो मुझे सवा महीना लग गया, 1 month 15 बल्कि नहीं 1.5 महीना लग गया। तो फिर उसके बाद थी बाकी चीज़ें के अंदर की डिज़ाइनिंग करनी है और छोटी मोटी चीज़ें, मींस के ओवरऑल 6 months जो हैं मेरे लग गए इस चीज़ में। 6 months इक्विपमेंट के लिए? नहीं, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जब मैं पाकिस्तान में आया जहाँ से मैंने पहला स्टेप लिया कि अब मुझे जिम खोलना है, मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की उसमें। फिर तो जनरली अगर मैं बात करूं तो एक आइडियल जिम बनाने के लिए 6 months का टारगेट होना चाहिए या 6 months का टाइम पीरियड ओवरऑल एवरेजली लगता है? नहीं लगता, कम लगता है। अगर आपकी रिसर्च पूरी है, आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, आपके पास कोई ऐसा बंदा है या फिर आप कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला है, आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ रिसर्च करना था। ठीक है, आप व्यूअर्स को बताते चलो, बिज़नेस के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी पड़ती है और लॉस एंड लॉस ऑफ विल पावर चाहिए होता है। दोनों तीनों चीज़ें आपके पास थी मेरे ख्याल से। हाँ, तीनों चीज़ें थी, और सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो पेरेंट्स थे मेरे साथ, उनकी दुआएँ थी और उनकी सपोर्ट थी, क्योंकि प्रीवियसली हमारी फैमिली में कोई बिजनेस में नहीं आया, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़ी थी तो रिस्क थोड़ा बड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ट्रस्ट किया। और फिर एफर्ट्स मेरी अपनी, क्योंकि एक पैशन भी था कि यार करना है और किसी भी तरह करना है, तो बस अल्लाह ने मदद की और हो गया। इससे ज़्यादा बेहतर और कोई रीज़न नहीं हो सकता कि अपनी पेरेंट्स की दुआओं से लेके अपनी है ना खुद विल पावर के ऊपर है ना काम करना। सलान, आपका एक जिम का टूर ना हो जाए? और क्यों नहीं शो। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या बला है? ये बला है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बला है, इसे कहते हैं लेग प्रेस। ये लेग्स के लिए है। हमारे पाकिस्तान में बहुत अजीब ट्रेंड है कि भाई लेग्स नहीं लगानी, क्योंकि आपने लेग्स किसी को दिखानी नहीं है, लेकिन जब तक आपकी बेस जो है वो ठीक नहीं है तो बाकी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं। तो एक बार करके तो दिखाए ना। अच्छा, आप करके नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो इंशाल्लाह करके भी दिखाऊंगा यार। अभी जितना देखे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अपने व्यूअर्स के लिए अपनी क्वालिटी दिखा नहीं सकते। किस तरह खुद पता है, अभी नीचे इनॉग्रेशन, मतलब बहुत थोड़ी खाई हुई है, ठीक है, और मैंने 5 पूड़ियाँ खाई हुई हैं, तो भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं। अरसलान को अभी ब्रेक देते हैं। हमारे पास अभी दूसरा इक्विपमेंट कौन सा है? ये है डिक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, स्ट्रेट बेंच प्रेस, उसके बाद ये हमारा डंबल्स का सेक्शन है। अभी हालत ख़राब है क्योंकि इनॉग्रेशन की वजह से हम लोगों ने सब कुछ ख़राब किया हुआ है। इनफैक्ट अभी मेरी तीन चार मशीन जो हैं वो आनी हैं, क्योंकि वही मैंने बताया चाइना से इम्पोर्ट की वजह से कुछ जो हैं वो लेट हो गई, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में वो भी आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। इधर भी आपके पास अनकैनी इक्विपमेंट है। ये हमारा है लैट पुल डाउन, इसके बाद पेग डेल्ट है, ये है हमारी शोल्डर प्रेस और चेस्ट प्रेस, ये 2-in-1 है, रोइंग मशीन है उसके साथ, हमारे कैमरामैन पीछे रह गए पता, ये रोइंग मशीन है, रोइंग मशीन के साथ ये है प्रीचर कर्ल मशीन, और ये डिप्शन है, इसके बाद ये ट्विस्टर है, ये हमें थोड़ा सा योगा मैट्स एप्स वगैरह के लिए, यहाँ पे है हमारे पास स्मिथ मशीन है ये। ओके, तो ओवरऑल आपके पास इक्विपमेंट कितना है यार, और कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं यार? इस टाइम जो कैपेसिटी है, इस टाइम 25 बंदे आ सकते हैं, 25-30 बंदे एट अ टाइम। तो हमारे पास इलेप्टिकल है, कार्डियो है, स्पिन बाइक है, अभी कुछ उस सेक्शन में भी कुछ चीज़ें कम हैं जो कि आनी है। मैंने आपको बताया था हमारी 3-4 मशीन अभी आनी है, उसमें एक बड़ी मशीन केबल क्रॉस वो आनी है, लेग्स एक्सटेंशन और कर्ल्स आनी है, तो उसमें अभी टाइम है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दिखाएंगे वो भी। और आपने मेरे ख्याल से लॉकर्स का भी इंतज़ाम किया? हाँ बिल्कुल, अगर तो आप एक्सरसाइज करने आते हो तो फिर तो ये लॉकर्स फ्री है, लेकिन इससे बताने की ज़रूरत है, इसके पीछे हमारे वॉशरूम्स हैं। ओके ओके, और बाकी आपके यहाँ फीमेल्स और मेल्स का दोनों का फैसिलिटी मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, फीमेल्स और मेल दोनों के लिए,
सुबह 6 बजे खुलता है जिम और रात 11 बजे ख़त्म होता है। बीच में हमने एक 9:30 और 2:30 सिर्फ स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए किया, बाकी टाइम कम्बाइंड। मंडे टू संडे, मंडे टू सैटरडे एक दिन हमारा ऑफ होता है, एक दिन ऑफ होता है। ओके ओके, और इसके अलावा आप मुझे क्या बता सकते हैं जिम के बारे में? इसके अलावा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 1 जनवरी तक हमारी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो आप आएँ और रजिस्टर हो और हमारे पास इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पैकेजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, तो जल्दी से आएँ और रजिस्टर हों। ओके, इनको भी एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनको भी एक चांस देना चाहिए, हक तो इनका बनता है, तो इसके ऊपर भी आप सोचिएगा। हम अपने व्यूअर्स को उनकी ओपिनियन के ऊपर छोड़ते हैं कि वो आपका क्या समझते हैं कि किस तरह से आपका जिम बना हुआ है, लेकिन एक बार इनका जिम ज़रूर आके देखें, शायद आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट मिले। थैंक यू सो मच अरसलान। यू वेलकम। थैंक यू एहसन आने के लिए, और अब आपकी थोड़ी सी और खिदमत करते हैं, कुछ चाय वाय हो जाए यार, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए थे ना काफ़ी देर से। ये चाय पिला पिला के मुझे मार देंगे, और कंटिन्यूसली 3 घंटे से चाय पिलाए जा रहे हैं और हर घंटे के बाद एक और चाय आ जाती है। हाँ ना यार, वो असल में आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक था ना। वैसे हम अब एम ही चबले मार रहे हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है, लीव इट ये चाय वाला सेगमेंट। तो व्यूअर्स, हम लोग एट द एंड पहुँच चुके हैं, इसके लिए मैं अरसलान को कहूँगा आखिर में कुछ मैसेज देना चाहेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एहसन आने के लिए, तुम्हारे ब्लॉग्स में काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और बहुत मज़े के ब्लॉग्स होते हैं, और हाँ अलबत्त तुम्हारे फैंस के लिए कुछ स्पेशल है कि हम तुम्हारे फैंस को कुछ स्पेशल डिस्काउंट देंगे, और जो वो कोड देगा जो तुमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और वो हमें वो कोड देगा, तो डेफिनेटली हम उन लोगों को डिस्काउंट देंगे। फॉर आर ऑल व्यूअर्स, जो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बिलो देखेंगे तो वहाँ पे एक प्रोमोशनल कोड होगा जो इनके जिम से रेलिवेंट होगा। इफ़ यू कैन प्रोवाइड दैट प्रोमो कोड टू द जिम, आपको एक फर्दर पैकेज या डिस्काउंट देंगे। एम आई करेक्ट? यस राइट। थैंक यू सो मच अरसलान। इस तरह की चीज़ें अगर और मिलती रहें तो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स और तरक्की करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, गिव देम अ चांस एटलीस्ट विजिट वंस, कि इसके अंदर मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है, मैं चाह रहा था खाली अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना, और अरसलान अपना एक उनमें से एक हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन कंडीशंस के अंदर भी एक बेहतर काम करना चाह रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस और अपना खुद का सेटअप करना चाह रहे हैं। सो एटलीस्ट वी शुड इनकरेज हिम, एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, ट्राई टू प्रमोट आर ओन लोकल प्रोडक्ट्स, और ना अपने एंटरप्रेन्योर्स जिस तरह यंग हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, फिर हम लोग। मैं एक चीज कहना भूल गया, हमारे साथ जो वीडियो अभी तक बना रहे थे वो अब्दुल्ला और बिलाल, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को सक्सेस देखेंगे, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था।